सुहागपुर में बारंगी कटिया तक बनाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ठेकेदार द्वारा किया गया मिट्टी का अवैध उत्खनन। सुहागपुर क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी एवं मुरम का अवैध उत्खनन जोरों पर है। सड़क निर्माण हो या फिर कोई वेयर हाउस या फिर किसी भी तरह के निर्माण के लिए संबंधित ठेका कंपनी द्वारा अवैध रूप से मिट्टी और राम का खनन कर निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। ऐसा ही मामला स्टेट हाईवे 22 से बारंगी कटिया तक बनाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का है, जिसमें ठेकेदार द्वारा मिट्टी का उपयोग अवैध उत्खनन कर किया गया। सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा ग्राम कटिया के पास से अवैध रूप से मिट्टी उत्खनन कर उपयोग में लाई गई है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। सड़क का 80% से अधिक निर्माण हो चुका है, तब तक अधिकारियों को किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन की भनक तक नहीं लगी। अब देखना बाकी है कि अवैध उत्खनन पर सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा रही है बारंगी से कटिया और एक मंत्री से चार गांव, अवैध उत्खनन कर ये मटेरियल डाला जा रहा है द्वारा, किसी प्रकार की अनुमति होना नहीं पाया जाता, क्या कहेंगे? आपके माध्यम से जानकारी मेरे पास आई है कि इन सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो जो भी संबंधित एजेंसी है उससे जानकारी ली जा रही है, और अगर कोई ऐसा अवैध उत्खनन पाया जाता है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। आपके पास किस प्रकार की कोई अनुमति के लिए अप्लाई नहीं किया गया? मेरे पास अभी ऐसी कोई आवेदन नहीं आया है और ना ही ऐसी कोई लिखित सूचना है। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।